हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की मैं इस वाले सूट जो आते हैं रेडीमेड, इसमें स्टोन वर्क है और आगे देखिए कपड़ा इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि हम गले की चौड़ाई को कम कर सकें ज़्यादा कर सकें। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, जो ये नेक दे रखा होता है उसी अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी होती है। हम इसमें बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पाइपिंग लग रही है। पहली चीज़ तो ये ध्यान से देखो, जैसे गले की लंबाई है उतनी रखेंगे और जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी ही रखेंगे, क्योंकि पाइपिंग वर्क होता है इसलिए ऐसे गले ना चौड़े हो सकते ना लंबे हो सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर वाले सूट है, तो बॉर्डर वाले सूट में आपने सेंटर निकालना है। सेंटर कैसे, स्टोन वर्क के स्टोन वर्क ऊपर आना चाहिए, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर आना चाहिए, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और वहाँ पर आपने पिन लगा लेनी है। तो पिन कैसे लगानी है, सेंटर निकाल के पिन लगानी है, ठीक है। तो जैसे सेंटर मिलाया, फिर पिन लगाकर आपने यहाँ पर आपने जो है सभी सारा ऊपर से नीचे तक एकदम बराबर से पिन लगाते चले जाना और इसे सेंटर निकाल लेना। गले की कटिंग से ही सूट की कटिंग होएगी, चाहे नीचे से ऊपर नीचे आ रहा हो, आगे पीछे से कम ज़्यादा कपड़ा आ रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं रखना। बस गले का बॉर्डर आपस में उसका बीच का जो हिस्सा मिलना चाहिए और प्रेस करके क्रीज इसकी बना लेना। अब देखिए आपने करना क्या है, ड्राफ्टिंग करने से पहले आपने गले की चौड़ाई इसको नाप लेना है और बॉर्डर से बॉर्डर आपने अच्छी तरीके से मिला लेना है और पिन लगा लेनी है। और ये स्टोन वर्क है और आगे पाइपिंग भी लग रही है। और ऐसे सूट में क्या होता है कि कपड़ा नहीं दे रखा होता आगे कि हम गले की जो अगर ज़्यादा चौड़ाई होती है तो हम बीच में सिलाई लगा के कम कर लें, लेकिन ये पहले से कटा हुआ है, पहले से बना हुआ है। तो अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग जितनी भी लेंथ है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ऊपर का जो है फोल्डेड में जाएगा 1/2 इंच सिलाई में और नीचे 1.5 इंच मोड़ने में जाएगा। लेकिन अगर बॉर्डर वाला सूट है तो खाली बॉर्डर वाले सूट में आपने क्या करना है, देखो ऊपर से ना कोई भी सूट कटिंग करो 1 इंच ऊपर से रखना ही रखना है एक्स्ट्रा, ठीक है। और नीचे से मुझे लेंथ जो है 40 चाहिए, तो ये 40 मेरी पूरी पड़ रही है, ठीक है, 40 है ना, हाफ पड़ रही है। तो 1/2 इंच तो मेरा यहाँ पे नीचे सिलाई में चला जाएगा बॉर्डर की स्टिचिंग में, और 1/2 इंच मेरा ऊपर से जो है कटिंग हो जाए, मतलब कि सिलाई में चला जाएगा, और 1/2 इंच की ड्राफ्टिंग लग जाती है। तो शोल्डर डाउन करने होते तो मैं बता दूँगी किस तरीके से होता है। तो ये मैंने निशान लगा लिया, जितना भी आपका लेंथ है ना उसमें आपने ऊपर से 1 इंच तो छोड़ना ही छोड़ना है, 1 इंच से लेकर टोटल लेंथ में आपने नीचे से 2 इंच फोल्डेड के लिए लगाना है अगर बॉर्डर वाला सूट आपका नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने जितने भी लंबाई के निशान है ना वो लगाओ। तो ये मैं यहाँ पे कमर जो है 14 इंच पर लगा रही हूँ, किसी कमर 14, 14.5, 13 इंच पर आती है, आप उसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। अब आपने इसके क्या है हिप का निशान लगाना, किसी के 20 पर 20.5, 21 पर आते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये जो लगा रही हूँ मैं टक्स पॉइंट का लगा रही हूँ, क्योंकि 9.5 पर टक्स है तो 10 इंच पर मैं ले रही हूँ। अब कमर की लाइन को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, सीधा कर दिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और निशान लगाते चले जाना है, ठीक है, जितनी भी आपकी लेंथ अकॉर्डिंग आ रही है। अब आर्म होल नाप लीजिए कितना आ रहा है और गले की चौड़ाई नाप लीजिए कितना आ रहा है। तो ये मेरा जो गले का चौड़ाई था 2.5 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, तो 2.5 में 2 पॉइंट ज़्यादा ये है। अगर समझ में ना आए तो ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए सीधा इसके अकॉर्डिंग। अब आपने क्या करना है, जो गले की चौड़ाई होती है ना उसको मेज़रमेंट कर लेना। तो ये 2 पॉइंट में 2 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ से मैं आर्म होल जो ले रही हूँ डीप नेक के अकॉर्डिंग लूँगी, ऊपर भी सेम ही लेते हैं, बस 1/2 इंच जो है लेंथ एक्स्ट्रा लेनी होती है, लेकिन अभी चौड़ाई आपने सेम लेनी है। तो मैं यहाँ से जो है 4.5 इंच यहाँ से जो है, यानी कि 6 में 2 पॉइंट आगे आता है ना वाला ले रही हूँ, तो जिसे हम 4.5 इंच बोलते हैं, सॉरी, तो 4.5 इंच मैंने यहाँ से आर्म होल ले लिया है चौड़ाई में, और लंबाई में 4.5 में 1/2 इंच एक्स्ट्रा। आपका जितना भी डीप नेक होगा उस अकॉर्डिंग आपने लेना, 1/2 इंच आर्म होल की लेंथ लेनी है। मान लीजिए 4 तक है तो 4 में तो पूरा लेते हैं, उसकी कटिंग मैंने पहले बता दी थी। अगर 5, 6, 7, 8 तो उसमें 1/2 इंच कम हो जाता है, 5, 6, 7 तक बना रहे तो 1.5 इंच कम कर दीजिए, अगर 8, 9, 10, 11 बना रहे तो 2 इंच कम कर दीजिए नेक का। तो लेंथ आपने आर्म होल में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बस इतना ध्यान रखना।
इसकी वीडियो मैंने वैसे भी सेपरेट डाल ही रखी है चीज़ का, तो दे अगर वीडियो देखते हो तो पता होगा। तो अब आपने क्या करना, अंदर गहराई का निशान लगाना है, सब में गहराई का निशान इसी तरीके से लगेगा। तो कैसे लगाना है वो चीज़ पहले मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपने जो है निशान अपना चेक कर लीजिएगा कि आपका टक्स पॉइंट कहाँ आता है। तो मेरा जो टक्स पॉइंट है यहाँ पर 9.5 है, तो मैं यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और सारे निशान को मैं सीधा कर लूँगी। तो ये 4 निशान लगते हैं, ऊपर आर्म होल का हो गया, बीच में टक्स पॉइंट हो गया, और तीसरे नंबर पे हमारा कमर और चौथे नंबर पे हिप। अब ऐसा कर्व होगा ना आपका, राउंड कर्व, तो राउंड कर्व से आपने इस तरीके से आपने राउंड शेप आपने यहाँ पर देनी है, इस तरीके से राउंड शेप देनी है कर्व से। अगर आपके पास कर्व नहीं है तो आप क्या करो, आप प्लेट रख लो, कटोरी रख लो, उससे शेप दे दो, ठीक है। आपने ये नहीं देखना है कि 1 इंच में आ रहा है, 1.5 इंच में आ रहा है, कितना, बस आपका शेप एकदम बराबर लगना चाहिए इस तरीके से। और अंदर से आपने 1 इंच से थोड़ा सा कम आपने निशान लगाना है, ठीक है। तो मैंने 1 इंच थोड़ा सा 2 पॉइंट कम करके अंदर की गहराई दी है, आप चाहो तो 1 इंच की भी गहराई दे सकते हो। और ये हमारी जो गहराई है फ्रंट आर्म होल की लगेगी, तो फ्रंट आर्म होल में भी छटाई होती है, ठीक है, अंदर से बाहर से दोनों 1/2 इंच की छटाई होती है। अब आपने क्या करना है, कटिंग करने से पहले अपना बॉर्डर चेक कर लो, लेंथ वैन जो भी सूट की ड्राफ्टिंग तुमने लगाई है ना वो अच्छे से चेक करने के बाद कटिंग करना, कोई जल्दी नहीं करनी है। तो उसके बाद आपने फिटिंग का निशान लगाना है। तो फिटिंग का निशान मैंने पहले ही सब वीडियो में बता चुका हूँ कि जितने भी चेस्ट होते हैं उसमें आपने +2 करना है, फिर उसका चौथा हिस्सा निकालना है, ठीक है। जैसे कि इसमें 34.5 है तो उसका हाफ करके उसका +2 करना है, मान लीजिए 36 है तो उसमें +2 करो, फिर उसका चौथा हिस्सा निकाल के आपने निशान लगाना है। तो ऊपर अपर चेस्ट में भी ऐसे ही निशान लगेगा, और नीचे बस्ट पॉइंट में भी ऐसे ही निशान लगेगा। अगर चौथा हिस्सा नहीं निकालना आता तो इंची टेप को 36 है तो 36 से फोल्ड करो, 18 आ जाएगा, 18 से फोल्ड करो, 9 आ जाएगा। ये तो सिंपल वाला है, लेकिन इससे पहले जो मैं अगर फिटिंग का नाप लगाते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, जैसे 36 है चेस्ट और अपर चेस्ट में 1 इंच या 1/2 इंच का जो है मार्जिन आता है, तो उस अकॉर्डिंग आपने लगाना है। अब कमर जैसी है, जैसे 36 कमर है तो 30 में +2 करो या 1.5 इंच करो, वो आपको अपने फिटिंग के अनुसार लगाना है। अगर अच्छे से फिटिंग चाहिए एकदम टाइट वाला 1.5 इंच ले लीजिए, और थोड़ा सा लूज चाहिए तो 2 इंच ले लीजिए। ऐसे आपने सभी में +2 करके चौथा हिस्सा निकाल के अपने अपने अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है। और नीचे से चाक के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बस इतना ध्यान रखना है, चौड़ाई में ध्यान रखना। जैसे कि ऊपर की चौड़ाई मान लीजिए 10 इंच लगी है हिप में, तो नीचे से चौड़ाई में 10.5 आएगा, और इसको सीधा स्केल से लाइन से आपने इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। चाक की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग भी रखना है कि इनको कितना चौड़ा चाहिए। अब जितना आया उसमें 1/2 इंच नीचे चौड़ाई में मैंने निशान लगा दिया है। आप क्या करना है, ऐसा आपका राउंड शेप वाला स्केल होगा नहीं है तो आप स्केल से लगा लेना, और ये जो गोलाई आती है ना, ये वाली गोलाई आपने इसको उल्टा पलट के निशान लगाना है इस तरीके से, क्योंकि बस थोड़ा सा क्या होते हैं उभरे हुए होते हैं, और यहाँ से भी थोड़ा सा सीधा करके ऐसे करके आपने निशान लगाना है। ये अपर चेस्ट का निशान इसलिए लगाते हैं झोल वोल हमारा ना आए। अब इस निशानों का ऐसे गोलाई दे दीजिए जो भी कोने से निकल रहा है, 1.5 या 2 या 1 इंच आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिए। इन फ्यूचर आपको सूट ढीला टाइट कराना हो तो हमें कपड़ा चाहिए होता है। अब 1.5 इंच से कम आपने नीचे के जो है पट्टी के लिए आपने लेना, 1.5 इंच से आपने कम नहीं लेना क्योंकि चाक बनाने हैं, ठीक है, सूट थोड़ा हैवी है तो 1.5 इंच जितना मैं यहाँ पर निशान यहाँ पर लगा लूँगी। अब सभी निशानों को मैं सीधा कर दूँगी। अब इस निशान को सीधा करने के बाद अब आपने क्या करना है, उस चीज़ का ध्यान रखो, जितना भी आ रहा है आपका शोल्डर उसमें आपने 1/2 इंच तो आपका कटिंग में चला जाएगा, क्योंकि जब हम तिरछा करते हैं तो कटिंग में भी जाता है और मार्जिन भी चाहिए। तो कोने से लेके आपने 1/2 इंच शोल्डर डाउन करने हैं, ठीक है, डीप नेक में, अगर 6 इंच से 5 इंच से ज़्यादा है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें डाउन 1 इंच होता है, वो बाद में मैंने कटिंग बता रखी है। अब जहाँ से ड्राफ्टिंग करिए सीधा सीधा आपने उसी चौक वाले निशान पर आपने कटिंग करनी है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी जो ड्राफ्टिंग वाला है ना उसी पे कटिंग करनी है, और बैक आर्मोल की एक साथ कटिंग करनी है, हम फ्रंट की आर्मोल की बाद में कटिंग करते हैं क्योंकि नीचे बैक वाला भी पीस रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने इसमें प्लेट्स देनी है
तो मैं इसमें प्लेट्स भी दे सकती हूँ, क्योंकि जो मैंने कमर का नाप लगाया था ना उसमें 1 इंच बढ़ा के नाप लगाया था, वो मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊँगी कि वेस्ट में हम कमर में प्लेट्स का नाप कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्लीव्स का निशान लगाऊंगी। तो स्लीव्स से पहले मैं यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो भी हमारा फ्रंट पल्ला है उतना ही हमें बैक पल्ला रखना होता है। ठीक है, बस ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर की साइड से ज़्यादा लेना है कि शोल्डर गिरते हैं, शोल्डर पीछे भागता है, सूट घूम जाता है। ये कारण क्या होते हैं कि आप कपड़ा अच्छे से नहीं बिछाते हो और कट से कट नहीं मिलाते हो। जब भी आप सूट की ड्राफ्टिंग करो कट जरूर मारिया करो आगे और पीछे पल्ले पर, और स्टिचिंग करते वक्त एक कट से कट अवश्य मिलना चाहिए, मतलब कि जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए मेरा जो लेंथ में कपड़ा कम है तो मैं तो बॉर्डर लगाऊंगी या तो पट्टी काट के अलग से तुरपाई के लिए 2 इंच ले लूँगी। अब 1/2 इंच तो शोल्डर की साइड से आपने ऊपर की साइड चाहिए ही चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कपड़े को अच्छे से बिछा लिया आपने, अब पिन लगाना है आपने अच्छी तरीके से। पिन लगाने के बाद गले की चौड़ा जितनी फ्रंट में है उतनी ही बैक में लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर बुकरम वाला गला बनाओगी तो उसमें हमें फिक्स चौड़ाई लेनी होती है, क्योंकि इसमें हम मार्जिन लगाते हैं। अगर कपड़े का नॉर्मल बनाओगे तो आपने 1/2 इंच कम कर दिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारे कपड़े में सिलाई में चला जाता है मार्जिन। ठीक है, तो मैं सीधा निशान बना दिया, शोल्डर से 1/2 इंच मैंने ज़्यादा लिया है, गले की साइड से भी ज़्यादा लिया है। अब आपने 1/2 इंच छोड़ते हुए आपने आर्म होल की जो लेंथ आएगी ना सेम टू सेम इसे तक आपने कटिंग जो है सेम करनी है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन आपने नहीं देना। कटिंग आपने एकदम बराबर ही करनी है, और अगर लग रहा है कपड़ा फोल्डेड हो रहा है चाक वाली साइड से तो उसे प्रेस कर लेना, क्योंकि जब फोल्ड करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ही क्या होता है टेढ़ा आता है। अब देखिए आपने करना क्या है, मैंने अपना बैक और फ्रंट पल्ला अलग अलग कर लिया है। अब मैं यहाँ से अपना जो है प्लेट्स का निशान लगाऊंगी, तो 10.5 पे मेरी टक्स आती है, और कमर वाले हिस्से से आपने अगर एपेक्स पॉइंट आपने सामने का चौड़ाई में ले रखा होगा तो 7.5 करना है, जितना भी आ रहा है वहाँ से चौड़ाई से निशान लगाना है, और ऊपर नीचे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके लेंथ में आपने जो है कमर का टक्स का निशान लगा देना है, क्योंकि मैंने कमर में ऑलरेडी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है टक्स के लिए, लूजिंग मैंने पहले रख दी थी, इसकी सेपरेट वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। तो मैंने 1/2 इंच ही अंदर से फोल्ड करूंगी। अब इस तरीके से आपने निशान देने हैं चकोर में, ट्रायंगल के डायमंड शेप में निशान आना चाहिए, जहाँ से मार्जिन करा वहीं से। ठीक है, ये हमारा प्लेट्स का निशान लग गया। अब जितना आपने फ्रंट में लिया है ना बस बैक में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 1.5 इंच मार्जिन, क्योंकि वो हमारा कपड़े में चला जाएगा टक्स में, जब हम सिलाई करेंगे उसमें मुड़ जाएगा। अब देखिए फ्रंट पल्ले की आप छटाई करोगे, आपने कपड़ा अलग करके जो फ्रंट का आपने निशान लगाया है उसमें ही आपने कटिंग करके अलग से निकाल देना है। अब आपने क्या करना है ये ध्यान रखिए, कपड़ा जो ओरेप में है उसमें कटिंग नहीं करना, जो कपड़ा खींच नहीं रहा हो ना उसमें रखना है आपने फोल्डेड करके, इस तरीके से बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है, फिर ऊपर से आपने एक और बार लेंथ वाइज फोल्ड करना है। जब हम ओरेप में कपड़े की बाजू निकालते तो क्या होता है उसमें खिंचाव आ जाता है, और जो खिंचाव आता है तो उसमें सूट की कटिंग अच्छी नहीं होती, तो खिंचाव नहीं आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आपका सूट ओरेप में है तो आप बाजू की ओरेप में कटिंग करोगे, अगर सूट की कटिंग ओरेप में नहीं काटी है तो बाजू की भी कटिंग ओरेप में नहीं करोगे, चीज़ का ध्यान रखना। आपने क्या करना है ध्यान से देखिए, जितना भी आपका जो आर्म होल है गोलाई जितनी भी है उतना अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर चौड़ाई लेनी है, मतलब कि जैसे कि आपके चेस्ट मान लीजिए 36 है तो 36 का हाफ करना 18 का हाफ करना 9 इंच में आपने 1 इंच कम करके आपने गले की जो है मतलब कि जो बाजू की है चौड़ाई का निशान लगाना है। तो उससे पहले आप लेंथ भी देखो कि जितनी भी लेंथ है छोटी है बड़ी है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लो,
और उस अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर ड्राफ्टिंग करनी है। फोर लेयर में कपड़ा होना चाहिए, रॉन्ग साइड इसकी जो है अंदर की साइड बाहर है और सीधी साइड इसकी अंदर है। तो फोल्डेड वाली साइड से ऊपर से बंद वाली भी साइड है और मेरे तरफ वाली भी बंद है। अब आपने क्या करना है, उस चीज़ का ध्यान रखिए जितनी भी लंबाई है 2 इंच एक्स्ट्रा आपने निशान लगाना है। मेरी 16 है तो 2 इंच मार्जिन लिया, 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से मैं निशान लगा लूँगी, ये आगे निशान का। अब इसकी कटिंग करके अलग से निकाल देना है। स्लीव्स की थोड़ी सी वीडियो लंबी है ताकि मैं आपको अच्छे समझा सकूं कि एक तरफ से स्लीव्स कम पड़ जाती है, एक तरफ से ज़्यादा आ जाती है। तो गहराई का निशान मैं 3.5 पर लगा रही हूँ क्योंकि स्लीव जो लंबी होती है ना तो 1/2 इंच ज़्यादा ही लगाओ, ठीक है, क्योंकि छाती जो इसकी 36 है। अब जितनी भी छाती है उसका 1/2 करना है और 1/2 इंच खाली मार्जिन कम करना है, ठीक है। और यहाँ पे एकदम तिरछा पे लाइन ड्रॉ करना है और कर्व वाली शेप से आपने निशान लगाना है। अब इसको इसके ऐसे करके नाप भी लो कि आपकी बाजू बराबर आए, शोल्डर से 1/2 इंच छोड़ते हुए आपने ऐसे करके नापना है। तो ये बाजू पूरी आ रही है तो आपके पास कर्व होगा, कर्व को एडजस्ट करते हुए ऊपर से 1.5 इंच छोड़ना है आपने सीधी में और यहाँ से आपने अपने तरफ एडजस्ट करते हुए आपने इसका गोलाई की शेप दे ली है। अब शेप देने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे डाउन करना है। अब आपने क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है, जितना भी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर आ रहा है इंची टेप को फोल्ड करके सेंटर का निशान लगा के कर्व में 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम, मतलब कि नीचे डाउन करना है जहाँ तक आपका 1.5 इंच है और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा देना है। इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स के फ्रंट में आएगा। अब आपने इसकी क्या करनी है, आपने लेंथ से जहाँ से है वहाँ लेंथ का निशान लगा के स्केल से सीधा ड्रॉ करना है। अब गोलाई जितनी भी है 9.5 है तो 9.5 का मैं आधा करके मैं इसका गोलाई का नीचे का बॉटम का निशान लगा लूँगी। जितने भी आपकी गोलाई है उसका 1/2 करना है और ऐसे सेफ पट्टी आती है, सेफ पट्टी से ऐसे आपने रखना है इस तरीके से और आपने यहाँ पर निशान दे देना है इस तरीके से। ये आपकी जो है कटिंग हो गई है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्लीव्स एक तरफ से बड़ी आती है एक तरफ से छोटी है, आप थोड़ा फिर एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर चलो अगर आपकी स्लीव छोटी आ रही है तो, क्योंकि फ्रंट में और बैक में दोनों में डिफरेंस होता है, छोटी बड़ी स्लीव्स पड़ती है। फ्रंट में थोड़ा सा खींच के लगाना पड़ता है, बाकी सब एडजस्ट हो जाता है। और जितना आपने सूट में 1.5 इंच का मार्जिन है स्लीव्स में भी 1.5 इंच का ही लोगी, बस चेस्ट का 1/2 करके 1/2 इंच कम करना है आपने और कुछ इसमें नहीं करना। ये देखिए स्लीव्स कटिंग हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर लेना, क्योंकि अगर पता तो चले कि हाँ कि मेरी मेहनत रंग ला रही है नहीं ला रही है, और सपोर्ट आपका चाहिए। और इसके बाद अंदर से सीधी साइड आपकी अंदर फ्रंट का कभी भी कटिंग की छटाई देनी है तो जो अंदर से दोनों साइड सीधी होनी चाहिए, एक चीज़ का ध्यान रखना, कपड़े अंदर से दोनों तरफ सीधे होने चाहिए। और कटिंग करते हैं ना तो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट फैब्रिक ऊपर नीचे से ज़्यादा आगे पीछे हो जाता है, तो आप छटाई करके भी निकाल दीजिए करा। तो इस तरीके से आपने एडजस्ट करके रखना है और फ्रंट की कटिंग कर देनी है। ये आपकी फ्रंट की छटाई होगी और जो आपने निशान लगाया ना ये वाला, ये या निशान आपने पीछे की साइड ले लेने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी स्लीव्स जो है वही रहेगी और कट का निशान जरूर लगाना। जब आप स्टिचिंग करो ना ऊपर की साइड से चेस्ट की आर्म होल में कट से कट मिलना चाहिए
और वेस्ट से वेस्ट, हिप से हिप, सब तक जो कटिंग लाते हैं उससे मिलना चाहिए, तो सूट घूमेगा आपका। थैंक यू।